C24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिंद के थाना क्षेत्र के नंदापुर गांव के नाले में 5 दिन से गायब मासूम बच्ची की लाश मिली है, जिसका एक हाथ व एक पैर भी कटा हुआ है। परिजनों ने बच्ची की बल दिए जाने की आशंका जताते हुए डेड बॉडी को गांव से उठाकर बिंदकी थाने के बाहर रखकर रोड जाम कर दिया, जहां रोड जाम को खुलवाने के दौरान पुलिस व परिजनों से नोकझोंक भी हुई। काफी मशक्कत के बाद परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया। यहां आपको बता दें कि होली के एक दिन पहले बच्ची घर से निकली थी, उसके बाद से वह घर वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा थाने में दर्ज कराया था, जिसके लगभग 5 दिन बाद बच्ची की डेड बॉडी गाँव के नाली में मिली, जिसका हाथ पैर कटा हुआ है और बाड़ी में श्रृंगार भी किया हुआ है। वहीं क्षेत्राधिकारी कपिल देव मिश्रा ने बताया कि बिंद की कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव में एक बच्ची गायब हो गई थी, जिसका मुकदमा थाने में दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद आज बच्ची की लाश गांव में ही नाले में मिली थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फतेहपुर से कपिल अहमद की रिपोर्ट। बिंदकी थाना क्षेत्र में नंदापुर गांव पड़ता है, वहां के राम खिलावन कुशवाहा ने 22 मार्च को बिंदकी थाने पर सूचना दिया था कि उनकी पोती गायब है। इस संबंध में थाना बिंदकी पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और तलाश की जा रही थी। कल इस बच्ची का शव खजुआ थाना क्षेत्र में गांव वालों की सूचना पर एक नाले से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। जो भी अपराध में लिप्त होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने हैं, पंचायतनामा में भी उसको उल्लिखित किया गया है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की राय ली जा रही है कि ये कैसे है, क्या है, किसी जानवर का काटा हुआ है या किसी व्यक्ति ने धार धार दिया से काटा है, तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कुछ बोलना ठीक है।